चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया है, जिसमें शिक्षा विभाग की ओर से 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की फीस माफ कर दी गई है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से पेरेंट्स का काफी मनोबल बढ़ेगा और उनके बच्चों की भी पढ़ाई नहीं रुकेगी। इसी के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में मोटी फीस न भर पाने पर पेरेंट्स भी अब गवर्नमेंट स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं, जहां वो अपने बच्चों का दाखिला गवर्नमेंट स्कूल में करा रहे हैं। उनको भी शिक्षा विभाग की ओर से एडमिशन दिया जा रहा है और यह बात भी खास करके कही जा रही है कि जितने भी बच्चे हैं उन्हें गवर्नमेंट के सभी स्कूल में एडजस्ट करेंगे, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। सर, दसोंगे स्कूलों के जो बच्चों की 9वीं और 10वीं के फंड्स माफ हुए हैं, ये बारे थोड़ा जहा दसो, ता कि पेरेंट्स को पता चल सके इस दे बारे। देखो, जो COVID-19 की सिचुएशन चल रही है अनप्रेसिडेंटेड, ये पेरेंट्स की कोई पेइंग कैपेसिटी तो बड़ा इफेक्ट होया, हर बंदे का रुजगार इफेक्ट होया, इस करके इस पेरेंट्स को एक रिलीफ देते हुए असी 9th-10th के बच्चों और 10वीं की 6 महीने वक्त अभी एग्जाम कर रहे हैं, रिलीफ कर रहे हैं, ये ऑर्डर थोड़ी देर रिलीज हो जाए। सर, किन्ना फर्क पेगा फंड्स जोड़े तुम कटाए हैं, किन्ना फर्क पेगा बच्चों के उत्ते पेरेंट्स के उत्ते? किन्ना फर्क बच्चों को घटो घट, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते घटो घट स्टडी स्टडी रुकेंगे, छड़ के नहीं जाएंगे, तो ये ना सर बच्चा घटो घट पैसे की शॉर्टेज और पढ़ाई ना छे, इस करके सा मकसद है। सर, दूसरा यह है कि प्राइवेट स्कूलों से भी बच्चे देख रहे फीस नहीं दे पा रहे, हूँ सरकारी स्कूलों से आते उन्होंने वास्ते किस तरह के इंतजाम किए? अभी दो भागा देख सकते, फस्ट है कि अभी जो फीस प्राइवेट स्कूलों ने कहा भी ओनली ट्यूशन फीस दी जाओ बिना किसी इनक्रीज तो, और कोई फंड मंथ बेस के उत्ते एडवांस नहीं लैनी, ईवन दैन अगर कोई इतना भी दे पा रहा तो साढ़े सरकारी स्कूल ओपन ने, उन्होंने एडमिशन देंगे जो बच्चे नहीं दिखते। जिमें थोनों सब लोग पता है कि 8वीं तक तो ऑलरेडी कोई भी फीस किसी को लै नहीं रहे, चार्ज नहीं करते, इस करके 9th और 10th जो लैंते उन्होंने 8th तक तो ऑलरेडी फीस कंप्लीट है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।